वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग केटी कोड़ी में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है, एक क्रिश्चियन लेडी ने डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया, तो उसी के सवाल का जवाब देते हुए क्या कहते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वाचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बेशक बाइबल में खुदा का कलाम मौजूद है, लेकिन सारी की सारी बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। ये बात सभी तस्लीम करते हैं कि खुदा के कलाम में तजाद नहीं हो सकता, और जिसमें तजाद हो वो खुदा का कलाम नहीं हो सकता, और जिस किताब के बहुत से एडिशन हो इस पर तो कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ऐसा ही बाइबल के साथ भी हुआ। बाइबल को ईसाई खुदा का खालिस कलाम मानते हैं। उनका कहना है कि बाइबल में लिखी हर बात सच्ची है, मगर वही बहुत ही कम तादाद में ही सही। मगर ऐसे ईसाई भी जो सोचते हैं और समझते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ उसमें कहा जा रहा है वो खुदा नहीं कह सकता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान का ही काम है। ऐसी ही एक ईसाई औरत ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर की, और उसने बगैर सांस लिए इतनी गलतियों की निशानदेही कर दी कि अगर चर्च वाले सुन लें तो मुंह छुपाते फिरें। पहले आपको इस लड़की के बारे में बताते हैं कि उसने कितने एतराजात बयान किए और क्या क्या तजादात निकाले। The Bible also says to stone women who aren't virgins when they get married. The Bible also says to take your disobedient children out to the streets and let all the neighbors stone them to death. The Bible also says that if two men are fighting and one of their wives sees it happening and goes to defend her husband, she's to have her hand cut off. The Bible also says that without the shedding of blood, God can't forgive sin. The Bible also says to walk up to neighboring cities that don't belong to the nations nearby and to either enslave them or kill them all. नाज़रीन, उस खातून ने बाइबल की बहुत सी आयात बताई और कहा कि बाइबल कहती है कि हम में यानी इंसानों में से कोई अच्छा नहीं है, औरतों को चर्च में बोलने की इजाज़त नहीं है। बाइबल ये भी कहती है कि माजूर लोग खुदा के पास नहीं जा सकते। बाइबल कहती है कि जो औरत शादी के वक्त कुंवारी ना हो उसको संसार कर देना चाहिए। बाइबल ये भी कहती है कि अपने नाफरमान बच्चों को सड़कों पर ले जाओ और तमाम पड़ोसियों को पत्थर मारने दो जब तक वो मर न जाए। बाइबल कहती है कि अगर दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं और उनकी बीवियों में से एक ये होता हुआ देखती है और वो अपने शौहर के दिफा के लिए जाती है तो उसका हाथ काट देना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि खून बहाए बगैर खुदा गुनाह मुआफ नहीं कर सकता। ये भी कहा गया कि हमसाया शहरों तक जाओ जो आसपास की अकवाम हैं, या उनको गुलाम बनाएं या उन सबको मार डालें और फिर औरतों और बच्चों को गुलाम बना कर ले जाएं। नाज़रीन, यकीनन इस औरत ने जो भी पॉइंट्स उठाए वो सारे के सारे सुनकर कोई भी कहेगा कि बाइबल में बहुत ज्यादा जुल्म रवा रखने की हिदायत की गई है। मरने मारने, खून बहाने और उज़्व काटने से मुतालिक तो इतनी मर्तबा जिक्र है कि शायद ये कोई आम सी बात हो। उस खातून ने जो भी नकात उठाए वो बहुत दिलचस्प है। उसने ओल्ड टेस्टमेंट के हवाले दिए और न्यू टेस्टमेंट से भी। उसने बाइबल में लिखी चंद ही बातें बताई और उनसे ही वाजे हो जाता है कि मेहरबान खुदा कैसे किसी को बच्चों को मारने या शोहर को बचाने पर बीवी का हाथ काटने का हुक्म दे सकता है। यकीनन ऐसा खुदाई कलाम नहीं, बल्कि बाद में किसी इंसान ने छेड़छाड़ से की है। बहुत से ईसाई ऐसे हैं जो कि बाइबल को इन्हीं तजादात की वजह से खुदा का कलाम नहीं मानते और मुलहिद हो चुके हैं। उस खातून ने मजीद तजादात बयान करते हुए बताया कि बाइबल में लिखा है कि अगर आप हफ्ते के दिन काम करते हैं तो आपको संसार कर देना चाहिए। जब तक आप अपनी माँ से, अपने वालिद, अपनी बहन, अपने भाई और अपने आप से नफरत नहीं करते, आप यूसुफ की खिदमत नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि अगर आप किसी को हवस की नज़र से देखते हैं तो आपको अपनी आंखें खुद ही निकाल कर बाहर कर देनी चाहिए। अगर कोई आपसे चोरी करे तो आप उसे चोरी करने के लिए मजीद चीजें दें। बाइबल कहती है कि अगर कोई आप पर हमला कर रहा हो तो उसको रोके मत, बल्कि और भी ज्यादा हमला करने दें। बाइबल ये भी कहती है कि खुश वो है जो बच्चों को ले जाकर उनकी खोपड़ी पहाड़ों पर दे मारता है। तो फिर मैं क्यों इसकी परवाह करूं कि बाइबल क्या कहती है। The Bible also says that unless you hate your mom, your dad, your sister, your brother, and yourself, you can't serve Jesus. The Bible also says that if you look at someone with lust, you should rip out your own eyes. The Bible also says that if someone steals from you, you should give them more things to steal from you. The Bible also says that if somebody is attacking you, to let them continue attacking you. Don't fight back. The Bible also says happy is the one who takes your ass into rocks.
नाज़रीन साफ नजर आ रहा था ये खातून जो भी कह रही है वो भी हक पर है, क्योंकि ऐसा क्यों कर किसी भी मजहबी और आसमानी किताब में लिखा हो सकता है। कुरान पाक और इस्लाम पर तनकीद करने वालों को अगर ये आयात दिखा दी जाए तो यकीनन वो भी सोचेंगे कि ईसाइयत वाकई सच्चा दीन है या नहीं। बाइबल में तजादात से मुतालिक डॉक्टर जाकिर नायक ने भी लबकुशाई की थी। आपको डॉक्टर जाकिर नायक की जुबानी ही उनकी राय सुनाते हैं। I do not consider the Bible to be the word of God. The present Bible, it is a mixture. It contains the word of God, it contains the word of the prophet, it contains the word of historians, and I'm sorry to say it even contains pornography. डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है कि क्या मैं बाइबल को खुदा का कलाम समझता हूं? तो उसका वाज़े जवाब है कि नहीं। मौजूदा बाइबल में खुदाई कलाम है, पैगंबर की बातें हैं, तारीख दानों ने कुछ और शामिल किया, और बदकिस्मती से बाइबल में पोर्नोग्राफी भी है। बाइबल में बहुत से तजादात हैं, बहुत सी गैर साइंसी चीजें हैं। बाइबल में इन सब चीजों को खुदा की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि बाइबल के सिर्फ इन हिस्सों में से मुत्तफिक हूँ जो कुरान से मेल खाते हैं, मुझे उनको खुदा का कलाम मानने पर कोई एतराज नहीं, मगर पूरी बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि बाइबल में साइंसी तौर पर बहुत सी गलतियाँ हैं। बाइबल में कायनात की तख्लीक से मुतल्लिक गलत मालूमात हैं, इसमें बेशुमार साइंसी गलतियाँ हैं, मगर कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान में जो लिखा है वो सही है। कुछ लोग एतराज करते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल को उठाया, इनमें से गलतियाँ ठीक की और कुरान में डाल दी। जरा सोचें ये कैसे हो सकता है कि जो चीज आज साइंस हमें बता रही है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी और बिल्कुल ठीक बता दी। तब तो साइंस थी ही नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने ये सब गलतियाँ ठीक कराई? यकीनन खुदा ने ही, जिसने कायनात को तख्लीक किया। वही जानता है कि कायनात कैसे बनी, काम कैसे करती है। तो जिस भी जाविये से देखें, कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम ही है। कुरान और बाइबल को अल्लाह ताला ने ही नाजिल फरमाया, मगर फर्क ये है कि बाइबल तब्दील हो चुकी है, मगर कुरान रहती दुनिया तक तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। प्रॉफिट मोहम्मद took the Bible and he corrected all the mistakes and he saw to it he corrected the scientific errors. It's impossible. At that time science wasn't advanced. How could he do it? What has happened? What we can say? Yes, both Quran and the Bible have a common source, that is Allah subhanahu wa ta'ala. The Bible has been changed due to passage of time as per the Christian scholars, even the scholars of the Bible. So both have a common source, that is Almighty God. डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी बात ये कहकर खत्म की कि आज दुनिया में सिर्फ एक ही खुदाई कलाम है जो हर किस्म की डिप्रेशन से पाक है, और कुरान पाक है, बाइबल हरगिज नहीं। ईसाइयों को भी चाहिए कि अगर उन्हें इल्हामी अहकामात पर अमल करना है तो लाजमी तौर पर बाइबल के साथ कुरान को भी देख लिया करें, और जो अहकामात दोनों किताबों में मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर अमल करें, बाकी बातें छोड़ दें। क्योंकि अगर कोई बात दो जगह पर एक जैसी हो तो उसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। क्रिश्चियन लड़के ने कैसे बताया कि बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई पत्ते को मार रहा हो, अगर हम उसे बचाने जा रहे हो उसके, तो उसका हाथ काट दो। क्या मतलब, अपने माँ बाप से नफरत करो, अपने भाई बहनों से नफरत करो, और क्या क्या मतलब ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें लिखी है। मतलब इसमें लोगों ने खुद अपने हाथ से लिख दी है अपने प्रॉफिट के लिए। ऐसे खुदा की दी चीज़ ऐसे तो होगी नहीं। आप चाहे कुरान और बाइबल को एक साथ मिला के देख लीजिए, अगर सेम होगी तो आप समझ जाना कि इसमें क्या डिफरेंट है, तो आप समझ ही जाएंगे। तो इंसानों द्वारा लिखी हुई है बाइबल में आधी चीज़ें ऐसे मिक्स कर दिया गया है। भाई कितनी खतरनाक, मतलब कैसे कैसे लिखा हुआ है, मतलब सुन रही ऐसे ऐसे कार्ड। तो आप लोग बता रहे कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।